Hello and welcome. I'm Udhar Pratap Singh. You're joining us on NewsX. In the wake of farmers' protests in Delhi, mobile internet services, bulk SMS and all dongle services provided on mobile networks, except the voice calls in the jurisdiction of districts of Ambala, Kurukshetra, Kethal, Jind, Hisar, Fatehabad and Sirsa of Haryana state remain suspended till the 15th of February. Meanwhile, security has been tightened as farmers' protests enter its second day. Tight security continues at the Ghazipur border with heavy deployment of security personnel. Heavy security has been deployed in the Singhu border area as well. Security checks are also underway at the Shambhu border in Ambala on the second day of the farmers' protest. The Sayuk Kisan Morcha and the Kisan Mazdoor Morcha have pressed for a law on minimum support price for crops, and the farmers are marching towards Delhi to persuade the centre to meet their demands. About 1,700 tractors are headed towards Delhi as we speak. On day one, police had used tear gas to disperse protesting farmers at the Haryana-Punjab Shambhu border. Mahendra Mahi is joining us live from Noida on this story. Mahendra, what is the situation there today? Which border are you currently standing at? And what are you seeing around you? How is traffic movement affected today? देखिए 24 घंटे के बाद जो नोएडा एनसीआर के तमाम बॉर्डर है किसानों आंदोलन को देखते हुए आज यहाँ सहूलियत मिली है, यानी कि ट्रैफिक की जो कल जाम हमें देखने को मिली आज यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक स्मूथली जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं मौजूद हूँ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे और ये तस्वीरें देखिए आपको देखने को मिलेगी किस तरीके से तमाम जो बॉर्डर है नोएडा के, खासकर चिल्ला बॉर्डर की बात करें, डीएनडी बॉर्डर की बात करें, तालंदी कुंड बॉर्डर की बात करें, तो आज बिल्कुल जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्मूथली दिखा देगा। कल अगर आप देखते हैं ये तस्वीर, तो कल आपको यहाँ तस्वीर काफी अलग दिखा देती है। यहाँ काफी जाम लगा था, करीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, अतिरिक्त फोर्स लगाई गई थी, तकरीबन 2,500 पुलिस कर्मी जो नोएडा में तैनात थे और 500 जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी है वो तैनात थे ताकि ट्रैफिक को थोड़ा स्मूथली किया जाए। मगर आज की तस्वीर आप देखेंगे तो चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर है और कहीं ना कहीं जो संख्या है वो कम की गई है, जो जवान है उनकी संख्या कम हुई है, जो बैरिकेड थे उनको हटाया गया है, क्योंकि देखिए आज तस्वीर आपको नजर आ रही कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आंदोलन का उसका असर अब नोएडा और एनसीआर में देखने को कम मिल रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है जो स्थानीय किसान है, यानी कि जो नोएडा ग्रेटर नोएडा का दादरी के स्थानीय किसान है उनको थोड़ी राहत इससे मिली है, क्योंकि लगातार हम ये बता रहे हैं क्योंकि जो यहाँ के किसान है उन्होंने साफ तौर पर जो पंजाब के किसान आ रहे हैं उनको अपना एक तरीके से सहयोग देने से मना कर दिया, क्योंकि कल यहाँ के किसानों की डीएम कमिश्नर और तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 18 फरवरी तक हम नहीं इनके साथ देंगे, उसके बाद हम विचार जरूर करेंगे, क्योंकि जो नोएडा के जो किसान है उनका स्थानीय जो मांगे हैं वो है अतिरिक्त मुआवजा 10% प्लॉट और रोजगार को लेकर था, तो उनको बैठक कल उनके साथ बैठक की गई और तकरीबन 3 से 4 घंटे बैठक चली, तमाम बड़े अधिकारी अफसर मौजूद थे। इसलिए तो नोएडा के किसानों या कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है इस आंदोलन में अपनी भागीदारी नहीं दिखा रहा। पिछले साल 2020 में हमने देखा था किस तरीके से यही आंदोलन था और नवंबर के महीने में जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे थे उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान था, उसमें राजस्थान का किसान था, उसमें हरियाणा का किसान था, उसमें आप ये मान लीजिए और प्रदेश के हर कोने से किसान उनके साथ था। मगर आज की बात करें तो यहाँ केवल पंजाब के जो मुख्य किसान है वो यहाँ धरने पर बैठे हैं और जो स्थानीय किसान है वो उनसे नकारा था। जी बिल्कुल। और महेंद्र सिंह का भी रुख कर लेते हैं, करनाल से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। महेंद्र सिंह, इफ यू टॉक अबाउट करनाल, आर मोर फार्मर्स बीइंग सीन देयर टुडे, इज द हैज द मूवमेंट इंक्रीज सिंस यस्टरडे? महेंद्र, व्हाट आर यू सीइंग टुडे? इस बार किसान आंदोलन पार्ट टू जो है बीते किसान आंदोलन से कुछ बदली हुई है, क्योंकि इस बार जो एपिक सेंटर है किसान आंदोलन का वो पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों की तरफ से अभी कोई समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा दबाव है वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर है और वो भी शंभू बॉर्डर पर है, क्योंकि वहां 1,000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है किसानों की जमा हो चुकी है, 5,000 की संख्या किसानों की बताई जा रही है। इसके अलावा रसद का पूरा सामान किसान जो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, दिल्ली कूच करने की कसम का उनकी कल भी जारी थी वो आज भी जारी रह सकती है। हालांकि इस बीच बातचीत का न्योता जरूर मिला था, बातचीत के अवसर जरूर मिले थे, लेकिन ये बातचीत जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ सफल नहीं हुई है। तो ऐसे में आज भी एक बार फिर
जो गतिरोध है वो बढ़ सकता है और जो तनातनी का जो असर रहेगा उसके बाद पब्लू बॉर्डर के बाद जो शाहबाद नाके पर करनाल नाके पर रहेगा। ऐसे में पुलिस की बात की जाए तो तमाम प्रबंध जो है वो किए गए हैं, चाहे वो अम्बाला नाके की बात की जाए, शाहबाद की है, करनाल की, करनाल पर भी जो है 1000 से ज्यादा पुलिस जवान जो है तैनात किए गए हैं ताकि किसानों की पूछ को रोका जा सके। लेकिन अभी तक जो संकेत मिले हैं उसके अनुसार जो विरोधाभास या गतिरोध है वो अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर है, वो किसानों के लिए काफी पेचीदा रहने वाला है, क्योंकि इस बार पुलिस टीम सरकार की कड़ी तैयारियां हैं कि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जा सके। वही किसान भी अड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव किया है, क्योंकि जिस तरह से कल पुलिस के आमना सामना हुआ था किसानों के बाद किसानों के साथ, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बाजी गई, लेकिन अब किसानों ने स्ट्रेटजी कुछ बदलाव किया है उसमें, अब वो नदी के रास्ते भी जो है हरियाणा की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी टुकड़ियां जो है बनाई गई है किसानों की तरफ से ताकि वो बैरिकेड को तोड़ सके। अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसका असर जो देखने को मिला। मैं करनाल की आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह से जो किसान जो अब ज्यादा जो अग्रेसिव हो चुके हैं उनसे उनके रुख को देखते हुए देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग को लोहे की मोटी मोटी जो चेन्स है उनके जरिए बांधा गया है, उसके अलावा कंटीन्यू तारे लगा दी गई है। और यहाँ से जहां तक आप देखेंगे तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है वो यहाँ पर खड़े हैं, इसके अलावा डेप्यूट किए गए हैं व्हीकल ताकि जब कोई ऐसी स्थिति बनती है बैरिकेड को हटाने का किसानों की तरफ से प्रयास किया जाए तो उनको रोका जा सके, वो तमाम प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से कल तनाव के माहौल बने थे वो आज भी रह सकते हैं, क्योंकि किसान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो शंभू बॉर्डर की बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करें। तो सबसे ज्यादा जो दबाव है वो किसान आंदोलन का आपकी बार पंजाब और NH-44 पर रहेगा, क्योंकि ये सीधा रास्ता यहाँ से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जाता है और यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अभी किसान है और यहाँ पर पहुंचने में उनको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, इसके बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना हो सकते हैं। ऐसे में तमाम प्रबंध है पुलिस क्यों सरकार क्यों वो किए जा रहे हैं, बातचीत का भी अवसर खुला है, इसके अलावा पुलिस तैयारियां भी मजबूत होती जा रही है। जी Brian Thomas also joins us now from the Ghazipur border. Brian, what is the situation at the Ghazipur border today? As security, does security continue to be on a heightened state? And also, as far as the farmers are concerned, are you being able to see any of them today? Have they managed to reach or not yet? Well, Uday, if we talk about the security at the very Ghazipur border, yes, the securities have been heightened, the securities are tight. If we show you the visuals of the very Ghazipur border, you can actually see and understand that, you know, the full preparations are being done by the people to ensure that the barbed wires on the barricading, you know, there are several officials also who are on vigil, who are on standby to ensure that the farmers do not enter the national capital, and they are putting on barbed wires also, if I get a close look also. So these are the wires that are being put at the national capital, and there are two levels of barricading also. One is this one, the normal barricading, and also cemented barricading are also done. And if this is the very highway of you know, of the Ghazipur border that connects to Meerut as well, and you're there also you can see, and there has been a multiple level of barricadings also done, and many trucks are there, MCV vehicles, MCV trucks are also there. So there are two cranes also which are you know, there to ensure that high level of security done. As of no farmers are here, there is no visual of any farmers till now. And here also you see the paramilitary forces, the CRPF, the you know, person are also on standby to ensure that the securities are on high level. And as a result of that also, the traffic is also getting affected. So the commoners are facing a lot of problems. And if I show you also, you can actually see that these people are putting on these fences, barbed wires to ensure that they are all prepped up, they are all geared up, they can, you know, sustain the farmers from entering the very national capital. Yes, Uday. All right. We're getting reactions on this story now coming in. सर क्या सोच रहे हैं सर, सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, किसान लगातार कूछ कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा
कि किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें, बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो, एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूँ कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूँगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है, तो यहाँ राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। लगता है ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखे, मैं किसान संगठनों को यही कहूँगा किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.